मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था दिन ब दिन खराब होती जा रही है। गुंडे बदमाशों में पुलिस का जरा भी डर नहीं रह गया है। वो सरेआम अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें बदमाशों ने महिला को सड़क पर रोककर उसे गोली मार दी। गोली लगने से महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये मामला छतरपुर का है, जहां ज्योति शुक्ला नाम की महिला, जो अपनी बेटी को लेने स्कूटी से स्कूल जा रही थी, रास्ते में चार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोका और उन पर कट्टे से फायरिंग कर फरार हो गए। ज्योति को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सक मनोज चौधरी ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीज की हालत ठीक हो जाए, जरूरत पड़ी तो उनका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। वहीं एडिशनल SP विक्रम सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि एक महिला को गोली लगी है और उनको हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा। जब उसको वेरीफाई किया तो नाम उसमें ज्योति शुक्ला मैडम का आया है कि उनको उनके राइट साइड में चेस्ट में कट्टे से फायर करके गोली लगी हुई है। कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है तो उनको रेफर कर दिया गया है। और प्राइमरी फेस इन्फॉर्मेशन ये आई कि वो बाइक में आ रही थी, उनके साथ में एक लड़का और था सूर्यांश, जिसको भी संभवतः हाथ में छर्रे लगे हैं। और सामने से दो बाइक आई हैं जिसमें चार लोग थे, उनको पहले रोका गया और फिर उसके बाद में फायर किया गया। हाँ, अभी तो यही बताया कि फिर ढके हुए थे। अभी तो हमारा मेन फोकस यही है कि उनकी कंडीशन स्टेबल हो जाए, रेफर हो जाए, उसमें हम इमीडिएट कायमी करके विवेचना करके फाइंड आउट करेंगे। एक महिला आई है 38 साल की और उनको छाती में गोली लगी है, ऐसा बताया है परिजनों ने। और जल्दी ही उनकी सर्जरी की अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी करके उनको वार्ड भेज दिया जाएगा। जी, अभी तो स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है कि किस वेपन से चली है, फिर भी जिस प्रकार का घाव लग रहा है तो ऐसा लगता है कि शायद 315 बोर से चली हो सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।